गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आज हम फिर जिन जिन बातों पर यहाँ चर्चा करेंगे उनकी तफसील कुछ इस तरह है। नंबर एक, संतों का उपदेश। नंबर दो, संत कौन सी भक्ति बताते हैं। तीन, सिमरन। नंबर चार, भजन सिमरन करने और मालिक को मिलने का आसान तरीका। दीनता का ग्रहण करना और संतों के साथ हद दर्जे का प्रेम करना है। नंबर पाँच, आसान रास्ता। और नंबर छः, मालिक से प्रेम करने का साधन। नंबर एक, संतों का उपदेश। मालिक संतों के रूप में आकर हमें यह उपदेश यानी कि चेतावनी देता है कि हे जीव, तू सत्पुरुष का पुत्र है, तेरा देश सचखंड अनामी बड़ी खुशी और शांति वाला है, यहाँ कोई गम नहीं है। दूसरे शब्दों में हम उसे बेगमपुर भी कह सकते हैं, जहाँ अमृत बरस रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं और बाजे बजते हैं। महात्मा रविदास जी इस देश का वर्णन करते हुए फरमाते हैं कि हे भाई, मैंने ऐसा देश प्राप्त किया है और ऐसे देश का निवासी बना हूँ कि जहाँ सदा सुख ही सुख है। उस शहर का नाम बेगमपुर है, जहाँ किसी को कोई गम नहीं है, ना ही वहाँ के निवासियों को कभी किसी गम के हो जाने का अंदेशा है, न वहाँ कोई चिंता है, ना कोई फिक्र है, ना वहाँ के निवासियों पर कोई खराज या माल अर्थात टैक्स लगता है, न वहाँ किसी प्रकार का भय है, न वहाँ कोई अपराध करता है तथा न सजा या क्षमा का प्रश्न है। वह पातशाही सदा स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन आदि नहीं होता। वहाँ एक स्वामी, एक ही सतगुरु सतपुरुष है, उसमें किसी दूसरे या तीसरे का कोई लगाव नहीं। वह शहर या देश सदा आबाद रहता है, कुल खंडों और ब्रह्मांडों में उसकी शोभा प्रसिद्ध है। वहाँ का धनी मालिक सदा भरपूर है, उसके पास स्थाई अखुट खजाना है, उसको किसी प्रकार की कमी नहीं पड़ती। जो इस देश से परिचित हैं वे सभी बंधनों से दूर हैं और आज़ाद हैं, वे इच्छा अनुसार जिधर भी जाएं सैर करके आएं। कुल खरबंडों ब्रह्मंडों में उन्हें कोई रुकावट नहीं। मैं रविदास चमार कहता हूँ कि मेरा भी सभी बंधनों से छुटकारा हो चुका है, मैं भी आज़ादी से रहता हूँ और जो वहाँ रहते हैं, वहाँ आते जाते हैं, वे सभी मेरे मित्र हैं। वो आगे लिखते हैं इसी शब्द को, बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदोह नहीं कोई ठाओ, ना तजवीज़ खिराज न माल, खौफ न खता न तर हो जवाल, अब मैं खूब वतन घर पाई, वहाँ खैर सदा मेरे भाई, कायम दायम सदा पातशाही, दोम न सेम एक सो आही, रहाओ आवादान सदा मशहूर, वहाँ गनी बसे मामूर, त्यों त्यों सैल करे ज्यों भावे, महरम महल को ना अटकावे। कहे रविदास खलास चमारा, जो हम सहरी सो मीत हमारा। तू इस जगह काल के देश में युगों युगांतरों से दुख उठा रहा है, कई प्रकार की योनियों में धक्के खाते खाते तुझे अपने घर की होश ही भूल गई है। काल का एजेंट मन, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार तेरी मिट्टी पलीत कर रहे हैं, तुझे उनकी हथकड़ियाँ लगी हुई हैं जो तुझे दिखाई नहीं दे रही, वे अपना अपना काम करवा रहे हैं, तेरा उसमें कोई मतलब नहीं, सब पराया काम है। इन ठगों के देश में तू शांति को ढूंढ रहा है, शांति के लिए भटकते भटकते तुझे काफ़ी अरसा गुजर गया है। शांति के लिए जितने भी तूने साधन अपनाए उतनी ही अशांति बढ़ती गई। जो सामान तूने इकट्ठे किए उन्हें काल जब चाहे छीन सकता है। तू खुद ही सोच, क्या पराए देश में किसी ने कभी सुख पाया है? तेरा पिता सतगुरु सतपुरुष तुझे बुला रहा है कि अपने देश आकर अपनी बादशाही को संभाल। तुझे अपनी बादशाही संभालनी चाहिए,
एक बादशाह के बेटे के लिए पराए देश में जाकर अमीरी वजीरी प्राप्त करना लज्जाजनक बात है। कहे कबीर, हम धुर के भेदी लाए हुक्म हजूरी, जिन तुम भेजे तिन ही बुलाए, सुख सह सेती घर आओ, आनंद मंगल गुण गाओ, सहज तुन निश्चल राज कमाओ। यह जो मानव देह तुझे मिली है, यह स्वयं सदगुरु की मेहर से मिली है, तेरा छुटकारा कराने के लिए ही मिली है। यदि अब अपने घर वापस जाने का प्रबंध ना किया तो फिर काल के हाथ चढ़ेगा। उसने बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को नहीं छोड़ा, त्रिलोकी तक के सभी जीव उसके नियंत्रण में हैं, अपने कब्जे में से किसी को बाहर नहीं निकलने देता। जब वे आता है तो बहुत बुरा हाल कर देता है, उस समय तू रोएगा और पछताएगा, फिर क्या बनता है? कभी कुत्ता बनकर रोटी के टुकड़े के लिए दर दर भटकता फिरेगा, कभी घोड़ी बनकर किसी की सवारी बनेगा, कभी पानी का जीव बनेगा और हजारों जानवर तुझे खाएंगे, कभी चिड़िया बनकर बाज का शिकार बनेगा और कभी बकरी बनकर शेर और भेड़िए के मुंह में जाएगा और कभी नरकों में सड़ेगा। ऐ मूर्ख, तू सोच, यह माँ बाप, भाई बहन, लड़के लड़कियाँ, स्त्री, रिश्तेदार, मित्र, जमीनें, संपत्ति, संसार के और ठाठ बाट और कौमें तथा मजमू में से कौन सी चीज़ तेरे साथ जाएगी, कौन सी चीज़ तेरी सहायता करेगी और इन दुखों में पड़ने से बचाएगी? यह शरीर जिसे तूने इतना प्यार किया और जिसकी संभाल में दिन रात लगा रहता है, वह भी तेरे साथ नहीं देगा। तेरे अपने प्यारे ही इसको आग में जला देंगे या ज़मीन में दफन कर देंगे। ज़रा ख्याल करके देख कि इस दुर्लभ मानव देव से, जो तुझे सदगुरु ने अपनी दया से दिलवाई है, तूने क्या लाभ प्राप्त किया है? तू स्वयं ही इंसाफ कर, किस जान ने तो एक दिन जाना है और रहना नहीं। इसको सदगुरु के हवाले कर दें ये अच्छा है, या कि काल के हवाले कर दें वह अच्छा है। यदि सदगुरु की भक्ति में लगा दें तो हमेशा की खुशी और शांति में चले जाएं, वरना दुख उठाना पड़ेगा। जो भाग्यशाली जीव संतों के वचनों की पालना करते हैं, उन्हीं को वह सच्ची भक्ति का रास्ता बताते हैं, अन्यथा नहीं। नंबर 2, संत कौन सी भक्ति बताते हैं? भक्ति करने का वास्तविक अर्थ यह है कि जीव के जन्म मरण के बंधन छूट जाएं, इस दुखों सुखों के संसार से निकल जाएं, काल से छुटकारा मिल जाए और अपने देश में जाकर अपने सच्चे मालिक राम, खुदा, वाहेगुरु या राधा स्वामी में मिल जाएं। वह मालिक राम एक रमी हुई ताकत, जैसे लकड़ी में आग, मेहंदी में रंग, दूध में घी और धरती में पानी है, उसका रूप शब्द है। तिस रूप न रेख अनाहत बाजे, शब्द निरंजन आप किया। वह मालिक रचना करके अपने शब्द, नाम, धुन, वाणी के रूप में सारी रचना में रमा हुआ कण कण को जीव और ताकत प्रदान कर रहा है। उस शब्द या नाम को ईसाई वर्ड कहते हैं, मुसलमान कलमा, कलाम इलाही या बांगे आसमानी कहते हैं। वह एक आवाज़ है जो संसार की किसी भाषा से संबंध नहीं रखती। वह शब्द ना तो पंजाबी हैं, ना हिंदी, ना फारसी, ना अंग्रेज़ी और ना किसी और भाषा में हैं। वह शब्द या नाम इन आँखों से नहीं देखा जा सकता और ना ही इन कानों से सुना जा सकता है। वह केवल अनुभव की चीज़ है। चिहन वरण नहीं छाया माया, नानक शब्द पछाणे। शब्द शब्द सबको कहे, वो तो शब्द विदेह, जीपा पर आवे नहीं, निरख परख कर ले है। जो कोई चाहे नाम तो नाम अनाम है, लिखन पढ़न में नाही ने अक्षर काम है। वह शब्द या नाम जगत का कर्ता है, जो खंडों ब्रह्मांडों को एक नियम के अनुसार चला रहा है। शब्दे तरती शब्द आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटाछे। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे आकाश पताल, नाम के धारे सगल आकार,
नाम के धारे पुरियां सब भवन, नाम के संग उधरे सुन सुवन। काल और महाकाल उस शब्द के बनाए हुए हैं, वे सब का मालिक है। उस शब्द या नाम से या उसकी भक्ति से काल और महाकाल भी डरते हैं। शब्द द्वारा ही यह जीव बंधन में आया है और शब्द के द्वारा ही यह वापस जा सकता है। प्राणी हर जप जन्म गयो, सात शब्द बिन कभू न छूटे बिरता जन्म भयो। शब्द मिले ता हर मिले, सेवा पवे सब थाए, शब्द बिना सुरत आंधरी कहो कहाँ को जाए। द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए, शब्द माही सुरत राखिए तब पहुँचे दरबार। कहें कबीर तहाँ देखिए बैठा पुरुष हमार। उस शब्द या नाम को प्रकट करके उसको सुनना ही सच्ची भक्ति है, यही असली पूजा है जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ाती है। सोदत सोदत तत्व विचार्यो भक्ति श्रेष्ठ पूरी, कहो नानक एक राम नाम बिन अवर सगल विधि उरी। चार वेद किए व्यास ने अर्थ विचार विचार, तामे निकसी भक्ति ही राम नाम तत्सार। बिन नामे और पूज न होवी परम पुली लोकाई, उस शब्द या नाम में अमृत है जिसके पीने से सब भूखें मिट जाती हैं और शांति प्राप्त होती है। गुर का शब्द अमृत है जित पीते तिख जाई, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो। जिसको पाए दुख सुख भूलें मन आनंद रे समायो, जिसकी चोरी कब हूँ न होवे ऐसो धन मैंने पायो। खर्चूं लाख खत्म न होवे दिन दिन बढ़त सवायो। मौत के समय केवल सच्चा नाम या शब्द ही सहायक होता है, इसके नज़दीक काल या यमदूत नहीं आते। जिया रे ओला नाम का अवर जो कर्म करावनो तिन में भव है जम का, बिन नामें दुख काल संताप है। यह सच्चा नाम रेडियो की लहरों की तरह सर्वव्यापक है, हमारी अपनी काया नगरी ही समीप से समीप उसका ठिकाना है जहां हम आसानी से उसे सुन सकते हैं। काया नगरी शब्दे खोजे नाम नव निध पाई, काया नगरी मह मंगण चढ़ जोगी ता नाम पल्ले पाई। यह शब्द या नाम अति सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज़ है, जब तक हम मन और आत्मा को संसार के सभी ख्यालों से साफ करके शरीर के बंधनों से मुक्त करके अर्थात जड़ चेतन की गांठ खोलकर आंखों के पीछे एकत्रित नहीं करते, तब तक उस आवाज़ को सुनने के हम योग्य नहीं बनते। मन और रूह को इकट्ठे करने का नाम जिंदा मरना है, इसीलिए कहा है जीवत मरे मरे फुन जीवे तामोख अंतर पाए। दादू पहले मर रहो पाछे मरे सब कोए, मरता मरता जग मुआ साचा मुआ न कोए, दास कबीरा यूं मुआ बहुर न मरना होए। हमारी रूह मुह माया के जाल में इतनी जकड़ी पड़ी है कि उसकी हालत एक मुर्दे जैसी बन चुकी है, उसमें इस मार्ग पर चलने के लिए जरा भर भी शक्ति नहीं है। संत दीक्षित करते समय अर्थात भक्ति का मार्ग बताते समय अपनी दृष्टि या जुबान के द्वारा रूह के अंदर शब्द का एक ऐसा इंजेक्शन कर देते हैं और उसमें एक ऐसी शक्ति भर देते हैं जो आत्मा को चेतनता के उभार में एक प्रकार के खमीर का काम करता है, साथ ही उसके अंदर से संसारिक विचार निकालने और मन तथा रूह को आँखों के पीछे इकट्ठा करने के लिए सिमरण या लफ्जी नाम जपना बताते हैं, जिसके जपने से मनुष्य एक नया जीवन प्राप्त करने लग जाता है। नंबर 3 सिमरण। हमारी स्वाभाविक आदत है, जिस चीज़ को सिमरते हैं उसी का रूप बनते जाते हैं। संसारिक पदार्थों को सिमर सिमर कर संसार का रूप बने पड़े हैं। हमारे दिल और दिमाग में बल्कि रग रग में संसार और उसकी बातें समा रही हैं। विषय विकारों के विचारों ने हमारी तार तार गंदी कर रखी है। संसारिक विचार ही इसे 84 के चक्कर में धक्के खिला रहे हैं, जहां आशा तहां वासा। सिमरन संसारिक विचार निकालने और मालिक से मिलने का आसान से आसान साधन है। सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो एक दिन गुरु मिल जाए। जब मनुष्य मालिक का सिमरन कर करके
अपने दिल और दिमाग में से सारे सांसारिक विचारों को निकाल देता है तो उसका हृदय बांसुरी की तरह अंदर से बिल्कुल साफ हो जाता है। तब उसके अंदर अनर्थ की झनकारें आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। काल और माया का पसारा बड़ा ज़बरदस्त है। हमारे अंदर जहाँ सच्चे नाम की धाराएं हैं, वहाँ काल और माया की धाराएं और नूर भी हैं, जो सच्चे नाम की धाराओं और नूर से मिलते जुलते हैं। थोड़ी सी गलती से गुमराह होने का भय लगा रहता है। जब अभ्यासी रूह अंतर्मुख प्रवेश करती है तो काल और माया अपने नकली शब्द सुनाकर, नकली नूर दिखाकर, किसी गुजरे हुए महात्मा या मौजूदा महात्मा का नकली स्वरूप बनाकर अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करते हैं तथा रिद्धि और सिद्धि पेश करते हैं, जिनमें बड़े बड़े अभ्यासी फंस जाते हैं। यही कारण है कि त्रिलोकी के धनी भी सच्चे नाम की महिमा को नहीं जान सके। कहूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। तुलसीदास रामायण से। लोग बोलें दूर गया कबीरा, यह जानेगा कोई मत धीरा, दशरथ सुत त्रिलोकी जाना, राम नाम का मरम न आना। कबीर साहब, यह तो उस सतगुरु या मालिक की मेहर ही है कि अंदर संभाल करता है और दुर्लभ दौलत की बख्शीश करता है। सिमरन करके संसारिक विचार निकालना और मन और रूह को आंखों पीछे खड़ा करना और जिंदा मरना आसान काम नहीं है। हम काल के देश में हैं, उसने सब जीवों को मोह माया के जाल में ऐसे बांध रखा है जिनकी पकड़ से बच निकलना अति कठिन काम है। हम संसारिक संबंध एवं पदार्थों से ऐसे जकड़े हुए हैं कि भजन सिमरन के लिए फुर्सत ही नहीं है। सोचते हैं कि समय निकालना चाहिए, परंतु निकाल नहीं सकते। संसार के तुच्छ और नाशवान समान ही हमें बार बार अपनी ओर खींचते चले जाते हैं। काम और क्रोध आदि से हमें अपनी हथकड़ियों में बांध रखा है, वे अपने अपने नाच नचा रहे हैं। कबीर बैरी सबल है, एक जीव रचियो पांच, अपने अपने स्वाद में बहुत नचावे नाच। मृगमीन भृंग पतंग कुंचर, एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जाम है, ताके केतक आस। कहाँ बेचारा एक जीव, कहाँ उसके पांच शत्रु, और फिर बेचारे को पांच की हथकड़ियाँ भी लगी हुई हैं। यही बस नहीं, मन और माया ऊपर खड़े पहरा दे रहे हैं। इस अवस्था में जीव बेचारा क्या मेहनत कर सकता है, किस प्रकार शत्रुओं के फंदों से निकल सकता है, कैसे संसारिक विचार निकाल सकता है, कैसे मन को आंखों के पीछे खड़ा कर सकता है। यदि कठिन परिश्रम करे तो भी उस परिश्रम की पहुंच कहां तक हो सकती है। उस मालिक का शब्द अगम और अपार है, सब सीमाओं से परे है। सीमा के अंदर की हुई मेहनत का फल उस शब्द का जो सीमा से परे है क्या कीमत रखता है। फिर वह मालिक पूरा मुनसिफ इंसाफ करने वाला भी है, इसके इंसाफ का तराजू बिल्कुल सही तोलता है। नंबर चार, भजन सिमरन करने और मालिक को मिलने का आसान तरीका दीनता का ग्रहण करना और संतों के साथ हद दर्जे का प्रेम करना है, क्योंकि वह मालिक दीनता और नम्रता का भंडार है। कोई उसे अच्छा कहे या बुरा, अच्छे दिल से याद करे या गालियां दे, वह किसी बात का ध्यान नहीं करता। सबसे प्यार करता है, सबकी सेवा करता है, सबकी रक्षा और पालना करता है, सबका मालिक तथा हर समय हर तरफ से समर्थ होते हुए भी, सब शक्तियों के भंडार रखते हुए भी उसने अपनी हस्ती को इस तरह मिटा रखा है कि संसार में उसका कोई निशान नहीं मिलता है। जब आदमी का चोला पहनता है तो वह अपने गुण और विशेषताओं को अपने साथ रखता है कि वह अपने गुण और विशेषताओं को हमारे अंदर पैदा करने आता है। वह दीनता और निम्रता से सदा भरपूर रहता है। मित्र तथा शत्रु सबसे प्यार करता है, सबकी निष्काम भावना से सेवा करता है। यदि कोई उससे शत्रुता भी रखता है, उसे दुख देता है, तो भी उसके दिल में बदला लेने की भावना का विचार तक भी उत्पन्न नहीं होता।
क्योंकि वे सदा निर्वैर है, समर्थ होते हुए भी किसी प्रकार की खुदी अहंकार नहीं करता, इसलिए अपने आप को जाहिर प्रकट नहीं करता। साधारण लोग उसे जान नहीं सकते कि वह क्या है। वह सबको यही कहता है कि राम तुम्हारे अंदर है, खुदा तुम्हारे अंदर है, राधा स्वामी तुम्हारे अंदर है, तथा सच्चा नाम तुम्हारे अंदर है। सिमरन करो, आँखों के पीछे ध्यान को इकट्ठा करो, तुम्हें सच्चा नाम मिल जाएगा तथा घर का रास्ता भी मिल जाएगा। परम पूज्य संत मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी फरमाया करते थे कि दुनिया नाम लेकर कोई सिमरन करने लग जाता है, कोई नूर की खोज में लग जाता है, कोई धुन के सुनने में, ख्याल में, कोई अंदरूनी स्थानों की तलाश में लग जाता है, मगर जिस चोले में सदगुरु बख्शीश करने के लिए आता है उससे प्यार पैदा करने के साधन अख्तियार नहीं करते। जब तक उनका प्यार दिल के अंदर नहीं बसता, मन को ख्वाह 10-10 घंटा भजन पर बिठाओ, ये एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसका ये मतलब नहीं कि भजन सिमरन बिल्कुल छोड़ देना है, मगर भजन सिमरन भी तभी हो सकता है जब मुर्शिद का प्यार दिल में बस जाए, क्योंकि उससे हम प्यार करते हैं, उसकी सूरत हर वक्त हमारे सामने रहती है, जो हमें दुनिया के सब ख्यालों को निकालने में हमारी मदद करती है और हमारी हृदय रूपी ज़मीन को भजन सिमरन के लिए तैयार करती है। यही श्री हजूर स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज अपने सार वचन नसर में फरमाते हैं कि अव्वल मुख करके सदगुरु की प्रीत करनी चाहिए। यह एक ऐसा अंग है जिससे सब कुछ एक दिन प्राप्त होगा, और जो नाम और सतलोक की खोज में लगा है, सतगुरु से प्रीत नहीं वो खाली रहेगा। मुख प्रीत सतगुरु की है, वह प्रीत सबसे जुदा कर देगी। वचन नंबर 2। इसी तरह बाबा जैमल सिंह जी महाराज ने सच्चे पातशाह परम संत सावन शाह जी को लिखा, तुसा लिखा कि दर्शन की इच्छा रात दिन रहती है, सो ये भजन है, ते दर्शन का फल तुसानू हुंदा रहिंदा है। सतगुरु नाल प्रीत करनी सो भजन ही है जी, छेती सचखंड पहुँचोगे या कदम जी। फिर चिट्ठी नंबर 19 में साफ वजह करते हैं, तुसी लिखा कि दर्शन वास्ते मछली की तरह तड़फ रहा हूँ, सो इसी तरह हुक्म है, ज्यों ज्यों प्रीत सच्ची अंतर से सतगुरु नाल होवे तो दर्शन की चाह सच्ची होवे तो जानो 100-100 वर्ष भजन करन नाल ऐसा शुद्ध नहीं हुंदा जी। ऐसा सतगुरु के दर्शन की चाह सच्ची चाह नाल हुंदा है जी। सो साफ जाहिर है कि सतगुरु नाल प्रीत करना ही भजन सिमरन की नींव है और मुख्य करनी है, जो हृदय रूपी जमीन को साफ करती है और भजन सिमरन करने और नाम या सतगुरु को प्रकट करने के काबिल बनाती है। खुदा, राम, नाम, सतनाम तथा राधा स्वामी सबके पहले ही हमारे अंदर मौजूद है। हमने पहले ही लोगों से उनके बारे में सुना हुआ है और ग्रंथों तथा शास्त्रों में पढ़ा हुआ है। वे सब हमारे लिए ख्याली इष्ट हैं, मगर संत दिखा देते हैं। इसीलिए पलटू साहब फरमाते हैं, दास पलटू कहे राम न जानू, जानू संत जिन जगत तारा। हर से तू मत हेत कर, कर हरि जन से हेत, माल मिलक हरि देत हैं, हर जन हर ही देत। जिस चोले में मालिक बख्शीश करने आता है वह संत है, वह सच्चा अवतार है, जो संसार का दौरा करने के लिए अपने देश से आया हुआ है। वह खुदा देहधारी है, जिसमें खुद खुदा आया हुआ है। वह राम देहधारी है, देखने में इंसान है मगर घट घट में रवा हुआ सर्वव्यापक है। वह राधा स्वामी रूहों का मालिक इंसानी जामा पहनकर अपनी तड़पती और पुकारती हुई रूहों को संभाल करने के लिए आया है। वह शब्द या नाम देहधारी है, द वर्ड वॉज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंग अस फ्रॉम बाइबल, जिसके द्वारा अपने शब्द या नाम रूपी बख्शीश करने आया है। इसीलिए कहा है, जिस वखर को लैण तू आया, राम नाम संतन घर पाया। पलटू एक प्राण पर आद सेती और अंत, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत।
मालिक प्रेम है और प्रेम ही मालिक है। गॉड इज़ लव एंड लव इज़ गॉड। वह प्रेम देहधारी है जिसमें बैठकर तड़पती हुई रूहों को अपना प्रेम बख्शने आया है। वह दाता देहधारी है और अपनी दाते बख्शने आया है। वह बख्शनहार देहधारी है, हमारे युगो युगांतरों के अपराध बख्शने आया है। वह दीनदयाल देहधारी है, दीनों पर दया करने आया है। मालिक के अपने निज स्वरूप से उसका संतों वाला स्वरूप, जो हमें काल और माया के बंधनों से निकालकर सब मंडलों में हमारी सहायता करता है, हमारे लिए सबसे बढ़कर है। अंदर वाला मालिक या राम इस बाहर वाले स्वरूप के वश में है और इसी के हुक्म में है। राम समीपी संत हैं, वे जो करें सो होए, वे जो करें सो होए, हुक्म में उनके साहब। संत कहें सोई करे, राम न करते बायब। रूढ़ो ठाकुर कित वस न आवे, हर सो करे जो हर के संता भावे। गीता लोड़न सोए करायण, दर फेर न कोई पाएंगा। गुरु अर्जुन साहेब, ऐसे संतों से प्रीत करना मालिक से प्रीत करनी है। उनकी सेवा मालिक या सतगुरु की सेवा है। उनकी सोहबत मालिक या सतगुरु की सोहबत है। उनका हुक्म मानना मालिक का हुक्म मानना है। उनकी रज़ा मालिक की रज़ा है। उनको खुश करना मालिक को खुश करना है। उनकी याद मालिक की याद है। उनका ध्यान करना मालिक का ध्यान है। उनके मिलने की तड़फ मालिक के मिलने की तड़फ है। पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी फरमाया करते थे कि मालिक प्रेम है और उसे मिलने का रास्ता भी प्रेम ही है। वचन सत्संग। पूज्य मस्ताना जी, कोई मालिक हाथी नहीं, कोई भैंस नहीं, कोई घोड़ा नहीं, ये तो अभी तुमको सुनाया। वह प्रेम रूप है, वह प्रेम रूप है, जिसको बख्शे उसके अंदर आवे, प्रेम करके वह मालिक को रिझावे। नंबर 5, आसान रास्ता। महात्मा दादू साहब जी यही फरमाते हैं कि मालिक प्रेम है, उसकी जात, उसका रंग रूप और वजूद सब प्रेम ही है। इश्क अल्लाह की ज़ात है, इश्क अल्लाह का अंग, इश्क अल्लाह वजूद है, इश्क अल्लाह का रंग। उसको मिलने का रास्ता भी प्रेम ही है। साच कहूँ सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो तन ही प्रभु पायो। श्री गुरु गोविंद सिंह जी, प्रेम किया तन ही प्रभु पाया, प्रेम बिना कुछ हाथ ना आया। श्री तुलसीदास जी, प्रेम के बिना कोई भी मालिक की दरगाह में नहीं पहुंच सकता। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश, बिना प्रेम पहुंचे नहीं दुर्लभ सतगुरुदेश। गुरु अर्जुन साहब जी फरमाते हैं कि पंथ और भेष सभी इस प्रेम को नहीं जानते। दुनिया गवारों की तरह भूली फिरती है, मालिक को भुलाकर अंत में नरकों को जाती है। पंथा प्रेम न जानई, भूली फिरे गवार, नानक हर विसराय के पौंदे नरक अंधार। मौलवी रूम साहब फरमाते हैं कि प्रेमियों का मत है सब मतों से जुदा, प्रेमियों का मत है सच्चा खुदा। प्रेम के बिना जप तप कर्म धर्म और पूजा पाठ सब व्यर्थ हैं, ज्ञान ध्यान सब अधूरे हैं। प्रेम के बिना सब इबादतें ऐसे फूलों के समान हैं जिनमें कोई सुगंध नहीं, और ऐसे लैंपों के समान हैं जिनमें कोई तेल नहीं। वास्तव में सभी साधन प्रेम को प्राप्त करने के लिए ही किए जाते हैं। सो जप सो तप सो व्रत पूजा जित हर सो प्रीत लगाई। यदि जप तप करने से इंसान के अंदर से द्वेष भाव नहीं निकला और मालिक का प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, तो उसका करना किस काम का, सब व्यर्थ है। क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा, जाके हृदय भाव है दूजा। कबीर साहब जी। नंबर 6, मालिक से प्रेम करने का साधन। मालिक प्रेम है और आत्मा उसकी अंश है, इसलिए आत्मा के अंदर मालिक का गुण प्रेम स्वाभाविक तौर पर विद्यमान है। मालिक प्रेम का समुंदर है और आत्मा प्रेम की बूंद, इसलिए जीव का स्वभाव ही प्रेम करना है। वह प्रेम किए बिना रह ही नहीं सकता। हर इंसान की बल्कि हर जीव की यह इच्छा होती है कि वह किसी का प्यारा बने और कोई न कोई उसका प्यारा बने।
वह किसी के साथ प्यार करे और कोई ना कोई उससे प्यार करे। इसलिए इंसान बेख्तियार ही दुनिया और दुनिया के लोगों से प्यार करने के लिए मजबूर है। जिसके साथ हम प्यार करते हैं, दिन रात उसी का चिंतन, उसी का सिमरन, उसी का ध्यान और उसी के स्वप्न लेते रहते हैं। उसी के संस्कार हमारे अंदर बसते रहते हैं, क्योंकि दुनिया काम क्रोध आदि के तरंगों से भरी और रंगी पड़ी है। इसीलिए उसकी सोहबत से हमारे अंदर भी काम क्रोध आदि के विष दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और जब हम भजन पर बैठते हैं तो वही संसार और उसके लोग तथा उसके संस्कार हमारे सामने आते हैं। यही विचार, यही संस्कार हमें भजन नहीं करने देते। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये थी आज की चर्चा। आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं कुछ नए चर्चाएं जो जीवन और उपदेश से ली जाएंगी आपके समक्ष रखूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और मेरी प्यार भरी धन धन सतगुरु कबूल कीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।